गांव का रहने वाला हूं जहां कल ये गोले गिरे हैं और मेरी ये चचेरा भाई है उसकी बीवी है जो कल ये गुजर गई है जो चार बच्चों की माँ है हाँ इस दुनिया को छोड़कर चली गई और यहाँ पर दूसरा हमसाया लड़का एक है जो बेचारा वो भी इस जद में आकर वो इस दुनिया से चला गया है और पार हमारा दूसरा गाँव है तुमना और वहाँ पर जो बच्चा है हाँ जिसने अपने माँ की गोद में जान दे दी और इस दुनिया से चला गया इसलिए आपसे दोनों मुल्कों से की गवर्नमेंट से गुजारिश की जा रही है कि पूरी दुनिया इस वक्त लड़ रही है बीमारी की वजह से लड़ रही है और ये दोनों मुल्क एक दूसरे के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये चीजें बंद करें ये चीजें शोभा नहीं देता है हाँ ये चीजें शोभा नहीं देते ये इज्जत वाला काम नहीं है कि घरों लोगों को बेघर किया जाए और लोगों को इस हाल में दहशत के सिलसिले में आप खुद अंदाजा लगाए हम कल चप्पलों के बगैर हाँ यहाँ से निकले हैं पैदल भागे हैं और रास्ते में पुलिस वालों ने भी तंग किया उन्होंने छोड़ा नहीं हमें कि यहाँ पर रेड जोन है यहाँ हमारी जाने जा रही है और वो वहाँ पर कह रहे थे कि ये रेड जोन है हाँ हम क्या करते उस वक्त शाम के वक्त हम चप्पलों के बगैर यहाँ से भागकर हाँ अपने रिश्तेदारों के घर गए और यहाँ हमारे हमसायों जो हमसाया इलाके किसी ने हमें अपने घरों में जगह नहीं दी इस वजह से कि आज बीमारी है वो भी बेचारे डर रहे हैं इस वजह से जगह नहीं दे रहे इसलिए हम दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट से गुजारिश की जा रही है कि ऐसा ना करें ये शोभा नहीं दे रहा है कि लोगों को बेघर किया जाए और लोगों का क्या हाल होगा उन बच्चों के ऊपर जिनकी माँ गुजर गई क्या हाल है उस माँ का जिसका बेटा गुजर गया क्या हाल है उस माँ का जिसका 15 साल बेटा इस दुनिया से चला गया इसलिए आपसे गुजारिश है कि ये चीजें बंद कर दी।